कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, COVID-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने नौवीं कविता सोई मेरी छौना रे पढ़ी है, समझी है। आज हम इसका स्वाध्याय पूरा करते हैं। जरा सोचो, बताओ, यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो? सोचो बच्चों, तो क्या क्या करते आप? अगर आप चांद पर अपने मामा के घर जाते तो वहां जाके क्या क्या करते, यही अभी हमको दिखना है। सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो बहुत आनंद आता। चांद पर जाकर हम रात भर सितारों को देखते और ठंडी हवा का आनंद लेते। रात में यान में बैठकर आसमान की सैर करते, सितारों को दोस्त बनाकर उनके साथ खेलते, बादलों के साथ लुका छिपी खेलते, परियों से बातें करते। वहां से अपनी धरती कैसे दिखती है यह भी देखते। खोजबीन विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ। क्या करना है हमें? विभिन्न क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिलाएं जो हो गई है, उनके चित्र हमें लेने हैं और उनके बारे में जानकारी भी लिखनी है। यह सब हमारे कॉपी में चिपकाना है। ये है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। ये है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये है प्रतिभाताई पाटिल। प्रतिभा पाटिल स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति रही है। ये है किरण बेदी जी। किरण बेदी सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता है। सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी है। ये है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवयित्री थी। ये है बच्चेंद्री पाल। बच्चेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की पांचवी महिला पर्वतारोही है। ये है कल्पना चावला।
कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मैंने समझा, अभी अभी हमने जो कविता पढ़ी है सोई मेरी चौनारे, इस कविता द्वारा हमने क्या समझा है वही अब हम लिखते हैं। सोई मेरी चौनारे, इस कविता में माँ की ममता को दिखाया गया है। एक माँ अपनी बच्ची को किस तरह प्यार दुलार करती है, यह इस कविता में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। लोरी के माध्यम से माँ का वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। शब्द वाटिका, नए शब्द सलोनी सुंदर, छावना नन्ना बच्चा, अनहोना अलौकिक, दीठ दिठौना बालकों को नजर से बचाने के लिए लगाया गया काला टीका। स्वयं अध्ययन, अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए चार काव्य पंक्तियां लिखो। बच्चों, आपको घर में कौन सी व्यक्ति सबसे प्रिय है, उसके लिए आप चार पंक्तियों की एक काव्य यह लिखना है। एक माँ पर आधारित छोटा सा काव्य मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको जो व्यक्ति प्रिय है उसी के बारे में काव्य लिखना है। माँ, भोली सी प्यारी सी मेरी माँ, सबसे अनोखी सबसे निराली मेरी माँ, बरसा कर ममता की बारिश, पूरी कर देती हमारी हर ख्वाहिश, भोली सी प्यारी सी मेरी माँ। क्यों बच्चों, माँ के ऊपर लिखी ये कविता आपको अच्छी लगी ना, तो आप भी इसी तरह छोटी सी कविता जरूर लिखना। भाषा की ओर, हिंदी मराठी के समोच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ और लिखो। क्या करना है हमें, जो शब्द दिया है उसका हमें हिंदी में भी अर्थ बताना है और मराठी में भी अर्थ बताना है। तो आओ, ऐसे कुछ जो शब्द दिए हैं उनके अर्थ मराठी और हिंदी में बताते हैं। समुच्चारित शब्द देखिए, कल। अब कल मराठी में इसका अर्थ है प्रवृत्ति, यानी आपको किस चीज की ज्यादा चिच्चाह होती है, और हिंदी में उसका अर्थ होता है बीता हुआ या आने वाला दिन। सही, सही का मराठी का मतलब है स्वाक्षरी यानी साइन, और हिंदी का अर्थ है ठीक अच्छा। आगे है खोल। खोल इसका मराठी में अर्थ है उघड़, यानी टिफिन बॉक्स उघड़, पुस्तक उघड़, इस तरह हो। और हिंदी में खोल यानी ऊपर का आवरण, जैसे हम पीलो को कवर डालते हैं तो वह खोल कहा जाता है, पीलो का खोल यानी गद्दे का खोल, इस तरह हो। आई, आई का मराठी में मतलब होता है मम्मी, माता या आई, और हिंदी में उसका अर्थ होता है आना, वह लड़की आई, मतलब वह आ गई है, यह बताने के लिए आई ये शब्द उपयोग किया जाता है। परत, परत का मराठी अर्थ है पुनः, पुनः पुनः, परत परत, और इसका हिंदी अर्थ है तह, यानी उस पे रखी, एक के ऊपर एक रखी परत। इसका मतलब देखो, घर में जो पानी पीने के बर्तन होते हैं, माँ एक के ऊपर दूसरा रखती है तो ये परत हो गई, या खाना बनाते समय कुछ मिठाइयां बनाते समय बहुत सारी
रोटियां एक के ऊपर एक रखती है तो उसे परत कहा जाता है। सुनो तो जरा, नीति परक दोहे सुनो और आनंद पूर्वक सुनाओ। अब हम कुछ दोहे सुनते हैं, आप इसे कंठस्थ कर लेना और यह दोहे आप भी किसी और को जरूर सुनाना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर जी का यह दोहा है और इस दोहे में कवि कहते हैं कि मैं जग में बुराई खोजने चला तो मुझसे बुरा दुनिया में कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवलु होई। हमारा जो मन है हर दम यहाँ वहाँ भटकता है, उसकी गति को हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति में लीन हो जाए तो हमें चारों ओर उजाला दिखाई देता है, यह बिहारी जी अपने इस दोहे में कहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पिट जाए। ये जो एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, एक दूसरे से नाता निभाते हैं, तो उसे कभी भी झटके में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे नाते को तोड़ेंगे, प्रेम को तोड़ेंगे, अपनों को तोड़ेंगे, तो फिर उनसे जुड़ नहीं पाएंगे। जैसे धागा अगर तोड़ देते हैं और उसे फिर से जोड़ना चाहे तो जहां जुड़ जाता है वहां गांठ पड़ जाती है। इसका मतलब पहले जैसा वह धागा नहीं होता है, उसी तरह हमारे जो संबंध होते हैं हमारे रिश्तेदारों से, अपनों से, वह तोड़ने से फिर पहले जैसे नहीं बन पाते हैं। यही रहीम जी अपने इस दोहे में कहते हैं। बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा? सोचो बच्चों, माँ को कभी छुट्टी होती है क्या? नहीं। अगर दी जाए तो क्या क्या होता है देखते हैं। माँ प्रत्येक परिवार की सबसे अहम कड़ी और सदस्य है। माँ दिन भर पूरे घर और परिवार की देखभाल में लगी रहती है। वह साल के 365 दिन काम करती है, कभी छुट्टी नहीं लेती। यदि किसी दिन माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो पूरे घर की साफ सफाई नहीं होगी। कौन सी चीज कहाँ रखी है किसी को भी पता नहीं चलेगा, सब परेशान हो जाएंगे, कोई भी समय से अपना काम नहीं जा पाएगा, हमें समय पर खाना पानी भी नहीं मिल सकेगा। तो माँ की कीमत समझो और कभी भी उसका दिल मत दुखाओ। वाचन जगत से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। देखो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत सारी कविताएं हैं और वह कविताएं बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं। तो मैं आज यहाँ एक कविता के दो चरण आपको यहाँ सुनाती हूँ। कविता का नाम है मेरा बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो देखा बचपन में कितनी खुशियां होती है। मेरी कलम से नियत इस विषय पर भाषण तैयार करो। नियत इसका मतलब है हमारा कर्म, हम कैसे बर्ताव करते हैं, यही हमारी नियत होती है।
अगर हम सबसे अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो हमारी नीयत अच्छी है। अगर हम सबसे झगड़ा करते हैं, तो हमारी नीयत अच्छी नहीं। तो देखते हैं नीयत के बारे में एक छोटा सा भाषण। मनुष्य की नीयत बदलती रहती है। मनुष्य को अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखनी चाहिए। अच्छी नीयत अर्थात अच्छी सोच ही जीवन में सफलता दिला सकती है। कभी 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 व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो गलत नीयत है। मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखते हैं, एक चांद सितारे डैश आंगनिया। चलो तो एक एक लाइन में कविता पूरी करते हैं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया। फूल खिले है चांदी के, खुली मेरी आंगनिया। दो मेरा सुख डैश बाऊ में। एक एक लाइन अब पूरी करते हैं। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। गीत सुनाऊ सोए तू, तू सोए औ गाऊ मैं। अब यही चरण ताल सुर में गाते हैं। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। गीत सुनाओ सोए तू, तू सोए ओ गाऊ मैं। सदैव ध्यान में रखो, जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। बच्चे का जब जन्म होता है, तब सबसे पहले वह अपनी माँ को देखता है। माँ की गोद ही उसकी सारी दुनिया होती है। इसलिए बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। माता ही संतान की पहली गुरु होती है। बच्चे को चलना, उठना, बोलना सब उसकी माँ ही सिखाती है। सब दुख दर्द सहकर भी माँ अपनी संतान की भलाई में लगी रहती है। संतान के बेहतरी के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देती है। इसलिए जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है। विचार मंथन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। यह जो सुवचन है, इस सुवचन पर आधारित हमें जानकारी लिखनी है, ताकि इस सुवचन को हम स्पष्ट कर सके। हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मनुष्य को जन्म देने वाली उसकी माँ और जिस भूमि में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका सदा मान रखना चाहिए। उसके समक्ष स्वर्ग के सारे सुख भी ना के बराबर होते हैं। हमें अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। अध्ययन कौशल। अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो और रिश्ते नातों के नाम लिखो।
देखो बच्चों, वंश वृक्ष तैयार करने के अनेक प्रकार है। हम भी एक वंश वृक्ष तैयार करेंगे और जो उनके प्रकार है उन्हें भी देखेंगे। ये देखो, ये एक वंश वृक्ष का प्रकार है कि व्यक्ति के नाम की जगह उनके फोटो, उनके परिवार के फोटो इस तरह लगाए जाते हैं। और दूसरा जो प्रकार है वो इस तरह होता है, एक रंग में एक ही व्यक्ति के बच्चे दिखाई गए हैं और यह मुलायम सिंह का वंश वृक्ष दिखाई दिया है। तो इस तरह भी हम वंश वृक्ष तैयार कर सकते हैं। वंश वृक्ष तैयार करते समय परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम सबसे पहले और छात्र वृक्ष, वृत्त, चौखट, किसी भी प्रकार की आकृति पर वंश वृक्ष तैयार कर सकते हैं। सबसे छोटे सदस्य का नाम आखिर में लिखते हैं। वंश वृक्ष, देखो एक नाम लिया है रण विजय चौधरी, आप अपने पर दादाजी का नाम यहाँ लिख सकते हैं। विमला चौधरी, आप यहाँ अपनी पर दादी जी का नाम लिख सकते हैं। अब रण विजय चौधरी और विमला चौधरी, इनके जो बेटे होंगे वो आपके दादाजी हैं और उनकी पत्नी आपकी दादी जी है। अब आपके दादाजी के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक आपके पिताजी है, दूसरे आपके काकाजी है। आपके पिताजी और माताजी, इनके जो पौत्र है उनमें आपका बड़ा भाई, आप खुद, आपकी छोटी बहन इस तरह हो। और काका जी जो है उनके भी तीन पुत्र हैं, उनके पुत्रों को आप चचेरी बहन, चचेरी बहन, चचेरा भाई कहेंगे। तो इस तरह यह वंश वृक्ष हमने तैयार किया है। तो अब इन जगह आप अपने परदादाजी, दादी जी, परदादी जी का नाम, दादाजी, दादी जी का नाम, आपके पिताजी का, माताजी का नाम, काकाजी, काकी का नाम और अपने जो चचेरे भाई बहन है उनके नाम, अपने परिवार के सदस्य के नाम, आपका भी नाम आप यहाँ लिखना है। तो इस तरह का वंश वृक्ष आप जरूर तैयार करना। जोड़ो हमें, पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्ताक्षर युक्त शब्द बनाओ। आधे होकर, पाई हटाकर, हल लगाकर, र के प्रकार, इस तरह हमें क्या बनाने हैं? संयुक्ताक्षर युक्त शब्द। अभी देखो ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों पे अलग अलग अक्षर दिए हैं, अलग अलग वर्ण दिए हैं। यही वर्ण यहाँ दिए हैं, हम उन्हें पहले पढ़ते हैं। क, फ, ग, त, थ, घ, श, व, द, म, ह, ठ, द, ट, प, र। तो यही वर्ण इन पत्तों पर दिए हुए हैं। अब देखो यह जो पेड़ है, इस पेड़ पर या पेड़ के आसपास हमें कुछ प्राणी दिखाई दे रहे हैं। कौन से प्राणी हैं? कौन से वस्तु है, क्या है, पढ़ते हैं। ये देखो, ये है गिद्ध और ये है इंद्रधनुष, ये है टट्टू, ये है फ्लेमिंगो, ये है कुत्ता, ये डॉक्टर है, ये जानवरों की डॉक्टर है,
ये है लकड़ बग्घा। ये कौन है? लकड़ बग्घा। ये है मुर्गा, और ये उसके पास बजाने का है ड्रम। तो ये जो सारे चित्र है और उनके जो नाम है, हर एक नाम में संयुक्ताक्षर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के संयुक्ताक्षर हमें इन वर्णों का उपयोग करके बनाने हैं। देखो, गिद्ध में द और ध का संयुक्त अक्षर हुआ है, लकड़ बग्घा में ग और घ का संयुक्त अक्षर है, फ्लेमिंगो में फ और ल का संयुक्त अक्षर है, इंद्रधनुष में र और द का संयुक्त अक्षर है, टट्टू में ट और ट का संयुक्त अक्षर है, कुत्ता में त और त का संयुक्त अक्षर है, डॉक्टर में क और ट का संयुक्त अक्षर है, ड्रम में द और र का संयुक्त अक्षर है। यहाँ हंस पद लगाया गया है नीचे, और मुर्गा में र और ग का संयुक्त अक्षर है। तो चलो, हम भी दिए हुए इन अक्षरों का, वर्णों का उपयोग करके संयुक्त अक्षर लिखते हैं। पहले हम चित्र में दिए शब्द फिर से पढ़ते हैं। गिद्ध, लकड़ बग्घा, फ्लेमिंगो, इंद्रधनुष, टट्टू, कुत्ता, डॉक्टर, मुर्गा, ड्रम। अब हमें क्या करना है? पत्तों पर दिए इन अक्षरों का उपयोग करके संयुक्त अक्षर बनाने हैं। क, चक्कर, टक्कर। फ, रफ्तार। ग, झुग्गी, बग्घी। त, पत्थर, चित्कार। थ, तथ्य। घ, विघ्न। श, मनुष्य। व, अव्वल। द, द्वार। म, चम्मच। ह, हृदय। ड, लड्डू। ट, लट्टू। प, ठप्पा, प्यास। थ, पाठ्यक्रम। तो आप भी इसी तरह और शब्द बनाने हैं, यह बात ध्यान में रखना। स्वाध्याय। प्रश्न पहला, सोई मेरी छौना रे, यह कविता सुर ताल के साथ गाओ और कंठस्थ करो। प्रश्न दूसरा, अपने परिवार का वंश वृक्ष तैयार करो। प्रश्न तीसरा, 10 संयुक्ताक्षर युक्त शब्द लिखो। बच्चों, आज हमने सोई मेरी छौना रे इस कविता के स्वाध्याय को पूरा किया है। हमने बहुत सारे अलग-अलग प्रश्न जो है उनके उत्तर लिखे हैं। आपको मजा आया ना अलग-अलग जानकारी पाकर? अब हम अगले वीडियो में इसी तरह अलग-अलग जानकारी वाले पाठ लेके आएंगे। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है।
इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।